इंदौर क्षेत्र की सावेर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर तनातनी जोरों पर है। कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच सावेर के सरपंच के बेटे पर FIR दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने DIG ऑफिस में धरना दे दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस भाजपा नेताओं के इशारों पर गलत मुकदमे दर्ज कर रही है और प्रशासन को BJP के कार्यकर्ताओं की कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने DIG हरिनारायण चारी मिश्रा से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने सरपंच के बेटे को फोन कर कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा था, जब वो नहीं माना तो अगले दिन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया। एडिशनल SP राजेश रघुवंशी से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की बहस भी हो गई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बू यादव ने पुलिस से मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ता यादव को रिहा करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट जाने की सलाह दी थी तो कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। धरने में विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, सावेर उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू शामिल थे। इंदौर से अभिजीत सिंह और दीपक सिंह के साथ ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। आपको जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी धाराएं लगा रहे हैं। हमने बोला कि उसको ये हार्ड डिस्क दी जाए और उसको हम देखना चाहते हैं जो झूठे 307 के मुकदमे बने हैं और मेडिकल कराया जाए वापस, कि 307 लगाने लायक मामला था भी कि नहीं था। सर, कल ज्योतिराज सिंधिया जी का प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर रानी दुर्गा झांसी की रानी बन के जो लड़कियां आई हुई थी, तो उसमें आपके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। आरोप लगाना BJP काम है कि आपने, आपके द्वारा पहुँचाया गया था उनको? ये काम BJP का है। लोग बच्चों ने यदि मेरे पे बोलते हैं तो मैं मानूंगा कि ठीक है। सर, कितना सही है? नहीं, ठीक हूँ, अच्छा है। 2.5 साल पहले जो इनके परिवार ने गद्दारी की थी उसके लिए बच्चे न्याय मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि न्याय दो, माफ़ी मांगो, अपने पूर्वजों ने गलती की उसकी माफ़ी मांगो, तो क्या गलत बात बोल रहे हैं? लेकिन जो शासन प्रशासन जो कार्रवाई जिस तरीके से कर रहा है उसको लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, कांग्रेसियों को निशाना बना के कार्रवाई हो रही है, क्या आपका आरोप है कि सत्ता के इशारे पे पुलिस काम कर रही है? जी हाँ, सत्ता के इशारे पे पुलिस प्रशासन कलेक्टर ये सब सत्ता के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये एक फोटो है, आप भी फिर से देख लो। ये है, ये इस गाड़ी के जो पुलिस ने जिस गाड़ी को लेकर इसने दूसरी गाड़ी पर टक्कर मार दी दारू पी के, जो चौराहे पे लोग खड़े थे, इनकी पहले से कोई बातचीत नहीं, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि तू दारू पिया हुआ है, गाड़ी एक तरफ कर, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उनको गालियां देने लगा। ऐसे में थोड़ी देर बाद एक पुलिस विभाग का सिविल ड्रेस में कोई व्यक्ति आता है, जो पता नहीं कि सिविल में सर पे तो लिखा नहीं कि पुलिस वाला है। उसने डंडा लिया और कहा मैं TI हूँ लसुड़िया थाने का। सबको लसुड़िया थाने के TI को सब पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो TI है नहीं। तो नेचुरल है, जो भीड़ थी उसने कहा चलो जाओ जाओ यहाँ से, कुछ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई होगी, मैं नकारता नहीं उस बात को। ऐसे में 3 धाराएं जो धक्का मुक्की की लगती है वो लगा दी, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनको जमानत दे दी। 1-2 दिन बाद उन्हीं सब पे फिर 307 लगा दी और 307 लगा के गिरफ्तार करेंगे, इस तरह की बात चालू हुई। हमने, प्रेमचंद गुड्डू जी ने, सब ने कहा इसको जांच में डालो, आवेदन दिया, जांच में डाल दिया, परसों के दिन जांच में डाला, 3 दिन पहले, और अब फिर गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह फोन आया उसके पिताजी को जो सरपंच थे, पूर्व सरपंच, कि BJP ज्वाइन करो अन्यथा आपको अंदर होना पड़ेगा। 1 घंटे बाद पुलिस विभाग के 100 लोग आ जाते हैं, उठा के ले जाते। किसने फोन किया और किसको फोन किया? ये मैंने बताया ना, ये शराब की बाटल है, ये सब है। मैं, किसने किया, किसको, किसको? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता विधायक यही करते हैं, और कौन करेगा? लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाओ, संविधान की पालना करो। ये ड्रेस में भारतीय जनता पार्टी की ड्रेस नहीं है, ये संविधान ने इस प्रदेश के पुलिस को जो ड्रेस दी है वो है। ये हमारी मांग है कि ऑब्जर्वर निष्पक्षता से पूरी जांच करे। प्रेमचंद गुड्डू जी ने, सदाशिव यादव जी ने, विनय बाकलीवाल जी ने, तीनों ने एक लिस्ट दी है कि इन लोगों पर भी आपराधिक रिकॉर्ड है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
एक पे नहीं हुई। हमारे कार्यकर्ताओं का इन पे जांच कर लो, नहीं करेंगे। पुलिस जाती है जैसे आतंकवादी को पकड़ने जाती है, ऐसे 100-100 पुलिस वाले 20-20 गाड़ियां लेके बब्बू यादव के घर गए सुबह। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी हारने वाली है। उधर राहुल को फिर खरीदा जो MLA है। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि लोकतंत्र में हमें वोट नहीं मिल रहा है, बी प्लान पे काम चालू कर दिया है कि और विधायक खरीदेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और चरित्र सामने आया है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और पुलिस विभाग और प्रशासन को, निष्पक्ष जिला प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव में अपनी सहभागिता बनानी चाहिए। इस तरह का आडंबर, इस तरह का की हठधर्मिता कानून और संविधान को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।